हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो गैजेट टेक यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले DJI का एयर 2S ड्रोन जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ और DJI का फैंटम 4 प्रो जो कि एक लेजेंडरी ड्रोन है DJI की तरफ से। तो अभी हम इन दोनों गाइस आज हम कंपैरिजन करेंगे फुल स्पेक्स वाला। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा आप, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किस टाइम का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मैं दोनों ही ड्रोन को साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। जिसमें गाइज ज्यादा पॉइंट्स होंगे हम उसको ज्यादा नंबर देंगे, जिसमें कम होंगे हम उसको कम देंगे। सो गाइज DJI Air 2S है इस तरफ और DJI Mavic Phantom 4 Pro इस तरफ। सो गाइज अगर हम वेट की बात करें तो 595 ग्राम का वेट आता है Air 2S में और DJI Phantom 4 Pro में आता है 1388 ग्राम का, जो कि Air 2S यहाँ पे जीत जाता है क्योंकि लाइट वेट ड्रोन ज्यादा बेटर रहते हैं एज कम्पेयर टू हैवी वेट ड्रोन। और अगर हम स्पीड की बात की है तो 68 किलोमीटर पर आर की मिलती है एयर 2S में DJI की, और DJI की फैंटम 4 प्रो मिलती है 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। बट हाँ, एक पॉइंट मिलता है फैंटम 4 प्रो को और एक पॉइंट मिलता है एयर 2S को। वहीं हम सैटेलाइट सिस्टम की बात की है तो GPS प्लस ग्लोनास प्लस ग्लाइलो मिलता है DJI एयर 2S को, वहीं फैंटम 4 प्रो को मिलता है GPS प्लस ग्लोनास। फ्लाइट टाइम की बात की है 31 मिनट्स है और फैंटम 4 प्रो में 30 मिनट्स है। सो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। गिम्बल दोनों में 3x का है, 3x का। और वहीं अगर हम गाइस मेन कैमरे पे आए तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एयर 2S के कैमरे की डिटेल्स बताता हूँ। तो सेंसर की बात की तो 1 इंच का CMOS सेंसर मिलता है 20 मेगापिक्सल का, जो कि 2.4 माइक्रोमीटर्स का पिक्सल साइज के साथ आता है। वहीं हम लेंस की बात की तो फील्ड ऑफ व्यू मिलती है 88 डिग्रीज की। एपरेचर की बात की तो f2.8 का एपरेचर और शूटिंग रेंज है 0.6 मीटर टू इन्फिनिटी की। वहीं हम ISO की बात की तो वीडियो का मिलता है हमको 100 to 6400 और इमेज के लिए मिलता है 100 to 12800। वहीं शटर स्पीड की बात की जाए 8 to 1/8000 सेकेंड्स की। और वहीं अगर हम DJI Phantom 4 Pro की बात करें तो 1 इंच का CMOS सेंसर मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेंसर के साथ, और इसमें माइक्रोमीटर कितने का ये नहीं बताया गया है। और फील्ड ऑफ व्यू की बात की तो 84 डिग्रीज की है और एपरेचर f2.8 से लेके वेरिएबल एपरेचर से f11 तक हो जाता है शिफ्ट, और शूटिंग रेंज 1 मीटर टू इन्फिनिटी। और ISO की बात की तो 100 to 6400 है इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए 100 to 12800 है, और शटर स्पीड है 8 से लेके 1/8000 सेकेंड्स तक की। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज स्टिल इमेज साइजेस की। तो गाइज दोनों में 20 मेगापिक्सल की आपको इमेज खींचने को मिलेगी मैक्सिमम, जिसका रिजोल्यूशन होगा 5472x3648 का। उसके बाद अगर हम फोटोग्राफी थोड़े बहुत एडिशनल मोड्स की बात कर ले जो कि एक्सटर्नल कंपनियां देती हैं अपनी वीडियो या फोटोग्राफी को एनहांस करने के लिए, तो DJI Air 2S में मिल जाता है आपको स्मार्ट फोटो का एक मोड आता है जिसमें कि आप HDR प्लस हाइपर लाइट प्लस HDR पैनोरामा शूट कर सकते हो। बट वहीं फैंटम 4 प्रो में ज़्यादा कोई एडवांस शूटिंग मोड्स नहीं मिलते, सिर्फ आपको एक ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग का एक मोड मिल जाता है। और दोनों में ही गाइस जो कि इमेज का फॉर्मेट है जिसमें शूट होती है इमेज, वो है JPEG प्लस रॉ, दोनों में ही JPEG प्लस रॉ मिल जाता है आपको। गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं वीडियो रिजोल्यूशन मैक्सिमम के बारे में। तो DJI Air 2S में मैक्सिमम रिजोल्यूशन आपको मिलेंगे 5.4K at 30 FPS, 4K at 60 FPS, 2.7K at 60 एंड फुल HD 120 FPS। वहीं Phantom 4 में मैक्सिमम मिलेगा आपको 4K at 50 FPS नॉट 60 एंड 2.7K at 60 एंड फुल HD at 120 FPS। और वहीं हम वीडियो फॉर्मेट की बात कर ले तो इसमें दोनों में ही H.265 और H.264 का कोडेक मिल जाएगा आपको। और मैक्सिमम वीडियो बिटरेट की बात की तो DJI Air 2S में मिलता है 150 Mbps का, वहीं Phantom 4 Pro में मिलेगा आपको 100 Mbps का। और वहीं हम लाइव व्यू क्वालिटी की बात करें जो कि आप अपने रिमोट में देखोगे कि ड्रोन जा कहाँ रहा है, कहाँ से उसकी व्यू क्वालिटी है, तो गाइज वो आपको मैक्सिमम मिलेगी Air 2S में DJI के 1080p at 30 FPS और Phantom 4 में मिलेगी आपको 720p at 30 FPS, जो कि अभी भी Air 2S गाइज फायदे में चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, मतलब उसमें ज़्यादा ही पॉइंट्स अभी तक। वहीं रेंज की बात की है तो गाइज 12 किलोमीटर Air 2S को रेंज मिल जाती है मैक्सिमम, Phantom 4 Pro को सिर्फ 7 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है। और गाइज हम प्राइस की आप बात करें तो गाइज $1299 का मिलता है Air 2S फ्लाई मोर कॉम्बो, और Phantom 4 Pro मिलेगा फ्लाई मोर कॉम्बो $1599 का। तो गाइज INR में अगर बात करें तो INR में 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक मिलेगा Air 2S, और Phantom 4 Pro अब गाइज ओल्ड हो गया है, पहले तो इसकी बहुत डिमांड थी तो प्राइस थोड़ा हाई था, शायद अब लो में मिल जाए आपको 1,50,000 to 1,90,000 तक
पहले मिलता था गाइस, अब का कुछ पता नहीं, क्या पता सस्ता हो गया होगा, बट ड्रोन ऑलवेज एक्सपेंसिव ही रहते हैं। तो गाइस हम बात करें किसके ज्यादा पॉइंट्स हैं, किसके कम पॉइंट्स हैं, तो गाइस DJI Air 2S को 10 पॉइंट्स में ज्यादा आगे है गाइस, और Phantom 4 Pro पर सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जिसमें वो पॉजिटिव है या मतलब आगे है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो DJI Air 2S लेना चाहिए, वो प्राइस में भी सस्ता है, पोर्टेबल ड्रोन भी है, स्पीड भी अच्छी है, कैमरा भी बढ़िया है, फोटोग्राफी मोड्स भी अच्छे हैं, वीडियो का रिजोल्यूशन भी ज्यादा है, और ज्यादा बल्की भी नहीं है, और ज्यादा ही एडवांस ड्रोन है Phantom 4 Pro के मुकाबले। क्योंकि Phantom 4 Pro गाइस अब कहीं अगर उड़ा रहे हो तो गाइस बहुत लोगों की भीड़ लग जाती है देखने के लिए, और बहुत ज्यादा ही बल्की सा हो जाता है। तो Air 2S बेस्ट है, छोटा और बेस्ट है, तो गाइस अब Air 2S के साथ और जाओ और वो सस्ता भी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।